देखिए, आज आम आदमी पार्टी का एक डेलीगेशन इलेक्शन कमिश्नर्स थे रूबरू हुआ। हमने उनसे मिलने का समय मांगा था, और समय इसलिए मांगा था क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए जिस प्रकार का घटिया और बेहुदा कंटेंट डालकर हमारी पार्टी और खास तौर पे हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है, कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जाए और इलेक्शन कमीशन से गुहार लगाई है कि आप इसका संज्ञान लेकर भाजपा के खिलाफ उचित कार्रवाई कीजिए। राजनीति के अंदर, सार्वजनिक जीवन के अंदर एक मर्यादा जरूर रहनी चाहिए। अगर वो मर्यादा कोई भी शख्स या कोई भी पार्टी उसे वायलेट करती है तो वो एक प्रकार से हमारी पॉलिटिकल पार्टी पे, हमारी संस्कारों पे रिफ्लेक्ट करता है। मेरी भारतीय जनता पार्टी को यही एडवाइस रहेगी कि लोगों का कैरेक्टर असैसिनेशन करना बंद करें। अरविंद केजरीवाल जी से लड़ना है तो चुनावी मैदान में लड़ें। आप भी जनता के बीच जाओ, आम आदमी पार्टी भी जनता के बीच जाएगी, देखते हैं जनता किसको वोट देती है। लेकिन अपने प्रचार तंत्र और अपने सिस्टम का इस्तेमाल कर अरविंद केजरीवाल जी पर हमले करवाना, उनके परिवार को गालियां देना, उनकी छवि खराब करना, उनका कैरेक्टर असैसिनेट करना, ये एक इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी जिसकी केंद्र में सरकारों से शोभा नहीं देता, हमने इसी के खिलाफ आज एक शिकायत दर्ज कराई है इलेक्शन कमीशन में। शिकायत में बड़ी ही डिटेल में कौन से कानून की कौन सी धारा भाजपा के सोशल मीडिया कंटेंट द्वारा वायलेट की गई है उसका भी डिटेल में वर्णन किया गया है। 5 नवंबर इसी महीने की 5 तारीख को भाजपा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ एक बहुत ही बेहुदा अपमानजनक कंटेंट डाला था, जिसके खिलाफ आज ये शिकायत दर्ज हुई है। हमें पूरा विश्वास है कि इलेक्शन कमीशन इसका संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई करेगा। राघव, आप कह रहे हैं कि आईपीसी के धाराओं का वायलेशन है, तो क्या अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे डिफेमेशन में? देखिए, पहला दरवाजा इलेक्शन कमीशन का होता है। हमें पूरा विश्वास है कि इलेक्शन कमीशन हमारी शिकायत का संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई करेंगे। वायलेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का हुआ है, वायलेशन आईपीसी की धाराओं का हुआ है, वायलेशन इंफॉर्मेशन आईटी एक्ट का हुआ है। इन तीनों एक्ट्स का जो वायलेशन हुआ है उसके संदर्भ में भाजपा के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग आज आम आदमी पार्टी ने करी है।